हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आप सब लोगों को लेकर आई हूँ बंजारा मार्केट की विज़िट के लिए, क्योंकि अब बंजारा मार्केट में आ चुका है लेटेस्ट फेस्टिवल कलेक्शन, जिसमें इंक्लूडेड है बहुत सारा होम डेकोर। आज की वीडियो में मैंने होम डेकोर को ही ज़्यादा कवर किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें मैंने क्रॉकरी को ज़्यादा कवर किया था, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो हम होम डेकोर की चीज़ें खरीदते हैं, तो आज मैंने उन पर फोकस किया है। इस टाइप के लैडर्स और बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स अब की बार स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। इस टाइप के शोपीस, मिरर काइंड ऑफ शोपीस बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जो कि काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे हमें। उसके बाद मैंने देखे ये बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल स्टैंड्स थे, इनमें आप लाइट भी लगा सकते हैं, एज अ लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कैंडल डाल के इसको एज अ कैंडल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे वॉल डेकोर्स हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस हैं, इस टाइप की वुडन ट्रेज आपको ईजीली मिल जाएंगी। मीन्स जो कुछ आप चाहें आपको हर चीज़ अब की बार बंजारा मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस टाइप की ट्रे जो है वो काफ़ी एंटीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और चेयर्स के सेट थे काफ़ी सुंदर थे, जो कि कुछ पॉट्स थे वुडन में। वुडन पॉट्स जो थे लास्ट टाइम नहीं थे, बट अब की बार काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, तो आप भी विज़िट कर सकते हैं बंजारा मार्केट लेटेस्ट कलेक्शन के लिए, दिवाली शॉपिंग के लिए। तो आइए देखते हैं और क्या क्या अवेलेबल है बंजारा मार्केट में। इस टाइप के कॉर्नर्स आए हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो है मेटल के जो शोपीस हैं, जैसे कि ये मटकी है, एलिफेंट है, ये डियर है, इस टाइप के शोपीस भी अब की बार अट्रैक्ट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। ये कैंडल स्टैंड है, इस टाइप की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी। अब की बार जो है जो भी चीज़ आप देखेंगे वो आपको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, मन करेगा इसको भी परचेज़ कर लें, इसको भी कर लें। लैंप्स की जो क्वालिटी थी, लाइट्स की जो क्वालिटी थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। डिफरेंट वैरायटी की लाइट्स आई हुई थी, जो कि बहुत सुंदर थी और आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल होने वाली हैं। तो मस्ट विज़िट द बंजारा मार्केट फॉर दिस फेस्टिव सीजन। इस टाइप की जो लाइट्स हैं वो आपके होम को काफ़ी सुंदर दिखा सकती हैं। इस टाइप की जो मिरर्स हैं वो भी आपके ड्राइंग रूम में काफ़ी सुंदर लगने वाले हैं। ये प्लेटर्स हैं, कैंडल स्टैंड्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे शोपीस या फिर की रिंग टाइप के आइटम्स हैं। इस टाइप के जो क्रिस्टल के शोपीस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इनको आप अपने बेडरूम में या फिर अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे अच्छे मिरर्स की वैरायटी मिलेगी, जो कि एज अ शोपीस भी काम करेंगे और एज अ मिरर भी काम करेंगे। इस टाइप के शोपीस भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये झूला जो है ये भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को, मैंने काफ़ी लोगों को विज़िट करते हुए देखा, इसको देखते हुए देखा, इसका प्राइस पूछते हुए देखा, तो ये भी काफ़ी सुंदर था। इस टाइप के बुद्धा पीसेस भी न्यू थे अब की बार बंजारा मार्केट में, जो कि फेस्टिव कलेक्शन काइंड ऑफ लुक दे रहे थे। इस टाइप की चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आपको बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के इस टाइप के पॉट्स मिल सकते हैं, जिसमें आप दिवाली में फ्लोटिंग कैंडल्स फ्लोट कर सकते हैं। वॉचेस का कलेक्शन भी अब की बार वहाँ पे अवेलेबल था, जो कि पिछली बार बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो कलेक्शन था ये काफ़ी प्रीमियम कलेक्शन था, ऐसे नहीं था, सेकेंड हैंड था। जो आपके फ्लावर्स थे वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आए हुए थे, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस टाइप के जो आपके चीनी मिट्टी वाले चीज़ें थी उनमें भी अब की बार गोल्डन कलर में आया हुआ था कलेक्शन, जो कि थोड़ा डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था। ये मीरा जी की जो पिक्चर है ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, स्टैचू जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। इस टाइप के वॉल हैंगिंग्स भी अवेलेबल थे, फिर से कैंडल स्टैंड्स हैं जो कि आपके 200 रुपीज़ के थे, जो कि उन्होंने प्राइस बोला था, इसके बाद वो बार्गेन भी कर देते हैं। नेक्स्ट चेयर्स का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, डिफरेंट वैरायटी की कलेक्शन की चेयर्स अवेलेबल थी। आप उन पे कुछ शीट्स वगैरह लगवा के या फिर मैट्रेस सेट करवा के छोटे उनको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी की चेयर्स जो थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, चेयर्स का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट ये केज है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था, बट आई थिंक नहीं लेना चाहिए।
नेक्स्ट ये कैमल का सेट है। इस टाइप के वुडन बॉक्सेस थे जो कि आपके मतलब स्टोरेज एज वेल एज सिटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये छोटी छोटी अलमीराज थी। इस टाइप के कैबिनेट्स, टेबल्स, चेयर्स, सारी चीज़ें आपकी बार फर्नीचर में जो भी कलेक्शन था काफ़ी अच्छा और डिफरेंट था। इस टाइप के कैबिनेट्स भी आपको इजीली वहाँ पर 7-8,000 की रेंज में मिल जाएंगे, जो कि आपको मार्केट में इस रेंज में मिल पाना काफ़ी मुश्किल था। इस टाइप के हैंगिंग्स हैं जो आप सीलिंग पे हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेकोर के लिए काफ़ी सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट आपके ये कैंडल स्टैंड्स हैं, सोप डिस्पेंसर है, सोप होल्डर है सॉरी। इस टाइप के ये जो है ये होम सेंटर का कलेक्शन था। इसका प्राइस उन्होंने 400 कॉट किया था, देन वो 300 या 250 तक इजीली दे सकते थे। नेक्स्ट आपके कैंडल स्टैंड्स हैं जो कि दिवाली पर काफ़ी काम आने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से विज़िट के लिए लेके गई हूँ। ये जो है आपका बार है, बार कैबिनेट काइंड ऑफ, किसी ने अपने घर में नहीं बनवा रखा, वो इस टाइप का कैबिनेट लेके उसमें अपना बार बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगती है आगे की वीडियो देखने से पहले। ये जो कैबिनेट है ये काफ़ी अच्छा था, मतलब जो छोटे से बार को अगर अपने होम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस टाइप की जो है आपकी ग्लास टेबल्स थी और बहुत सारे होम डेकोर आइटम्स थे। ट्रेस का कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके का अवेलेबल था। इस टाइप के वॉल डेकोर, जो वॉल हैंगिंग्स टाइप की चीज़ें भी काफ़ी अवेलेबल थी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये लीफ है जैसे, या फिर आपके ये सर्विंग ट्रेस थी। काफ़ी सारा कलेक्शन जो था काफ़ी डिफरेंट था। इस टाइप की प्लेट्स जो हैं ये आपकी वॉल डेकोर में यूज़ हो सकती हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं। ये आपकी कैंडल होल्डर एज अ दिवाली पे आप लोटस फ्लावर का लुक देगा, काफ़ी सुंदर था मतलब ये। और इसका जो प्राइस था वो उन्होंने 800 कॉट किया था, वो आपको इजीली 400-500 का दे सकते थे। नेक्स्ट कुशंस की जो वैरायटी आई हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के टाइप्स के कुशंस आपकी बार मार्केट में अवेलेबल। इसका प्राइस उन्होंने 500 कॉट किया था। नेक्स्ट ये जो पिढ़ा है जो हरियाणवी कल्चर को शो करता है, इस टाइप की चीज़ें आई हुई थी। चरखा था जो कि लास्ट टाइम मैंने परचेज भी किया था, बट अब की बार बिग साइज में आया हुआ था। ये फिर से कॉर्नर्स आ गए हैं, कॉर्नर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, जैसे ये सिंपल कॉर्नर है, उसके बाद ये वाला कॉर्नर जो है वो हट टाइप का कॉर्नर है। चेयर्स के पूरे सेट हैं जिनको आप गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के जो बॉक्सेस हैं इनको आप स्टोरेज एज वेल एज सिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा था। इसका प्राइस उन्होंने 1000 कॉट किया था और 500 में दे दिया था।